कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहुसत का इलाज नहीं। याद रखें, कुरान पाक मुकम्मल शिफा है तमाम मुश्किलात और मसाइब से निजात के लिए। सूरह अर-रहमान सुने। सूरह अर-रहमान सुनने का तरीका। कारी अब्दुल बासित की आवाज में सूरह अर-रहमान की तिलावत बगैर तर्जमे के वेबसाइट www.alrahman.com से डाउनलोड कर लें या फिर ऐप द अल्टीमेट रेमेडी डाउनलोड कर लें। सुनने से पहले आधा गिलास पानी पास रख लें, आराम से बैठ जाएं, खुद को अल्लाह के रूबरू तसव्वुर करें कि वो आपको देख रहा है, रहमत फरमा रहा है, शिफा दे रहा है। अब तिलावत बंद आंखों से अल्लाह के रूबरू होकर सुने। जब तिलावत खत्म हो जाए तो आंखें खोल दें। आधा गिलास पानी जो आपने अपने पास रखा हुआ है उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ें और आंखें दोबारा बंद कर लें। अब दोबारा खुद को अल्लाह के रूबरू तसव्वुर करें और दिल की धड़कन से बगैर जबान हिलाए 3 बार अल्लाह 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 कहें और फिर आंखें बंद रखते हुए इस पानी को 3 घूंट या 3 सांसों में पी लें। गोया हर दफा सूरह अर-रहमान सुनने और पानी पीने का यही तरीका है। जो लोग ज्यादा बीमार हैं वो दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम 7 दिन लगातार सुने। जो कम बीमार या दुखी और परेशान हैं, वो दिन में 2 बार 7 दिन तक मुतवातर सुने और तंदुरुस्त लोग इसे दिन में 1 मर्तबा 7 दिन तक मुतवातर सुने और रहमत खुदाबंदी से मुस्तफीद हों। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। सूरह अर-रहमान का नूर हमारी रूह को बेदार करता है जिससे हमारे दिल की आंख खुल जाती है। इससे तमाम बदबख्तियां और नहुसतें खत्म हो जाती हैं। जाहिर और बातिन में अल्लाह का नूर और उसकी रहमतों का नजूल महसूस होना शुरू हो जाता है। महसूसात की दुनिया फहम और मुस्बत सोच का जहां रोशन करती है। अल्लाह हमें दर्द और एहसास की नेमत उज़्मा अता करता है। लिहाजा समाते सूरह रहमान के हसीन पैगाम को गौर से सुने और सशक्ती इंसानियत की खिदमत करें। सूरह अर-रहमान सुने और इसे फैलाएं।